हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक और नई जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि है यदि आप वजन नहीं बढ़ाना चाहते हैं अपना, यदि आप मोटापन नहीं चाहते हैं, तो कुछ ऐसी गलतियां आप ना करें जिससे कि वजन बढ़ता है। और ये जो गलतियां हैं मैं आपको यही बताने वाली हूँ। अगर आप बढ़े हुए वजन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्कआउट के साथ साथ दिनचर्या में भी उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा जो कि वजन को बढ़ाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वह यह है कि अगर आप 3 बार खाना खाते हैं तो उसके बजाय आप 5 या 6 बार खाना खाइए। ऐसा क्यों? कम खाएंगे तो कम कैलोरी बेहतर ढंग से शरीर में बढ़ सकेगी, और यदि आप इकट्ठा खाएंगे तो कैलोरी के शरीर में वितरण में समय अधिक लगेगा, जिससे कि आपका वजन तेजी से बढ़ेगा। इसके साथ जो दूसरी चीज़ है वह यह कि अध्ययन के मुताबिक जो लोग रोजाना आहार में मीट लेते हैं वह पौधा पर केंद्रित आहार लेने वालों की तुलना में 27% अधिक मोटे होते हैं और उनका बॉडी मास इंडेक्स भी अधिक होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर भी वजन बढ़ाती है, इसीलिए कॉफ़ी में आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखें कि पैकेट में मिलने वाले नारियल पानी हो या फिर फ्रूट जूस, इनमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए फलों का जूस जब भी पिएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वह ताज़ा हो, पैकिंग वाला ना हो। इसके साथ ही यदि आप अपनी पसंदीदा चॉकलेट, चिप्स जैसी चीज़ों को खाते हैं तो आप खुद पर कंट्रोल करें, क्योंकि एक टुकड़ा लगभग आपको 150 कैलोरी देता है। इसके साथ भी आपको 7 घंटे से कम की नींद यदि आप लेते हैं तो उसका असर आपके मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है, इसीलिए यदि आपको वजन कम करना है तो आप पर्याप्त नींद लें। तो दोस्तों, ये जो कुछ छोटी छोटी बातें थी जिन्हें कि आप ध्यान में रख सकती हैं, ये जो बातें थी वे वजन बढ़ाने का कारण होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।